रीवा नगर निगम के कांग्रेस महापौर अजय मिश्र बाबा ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस महापौर ने कहा कि अब तक प्रभारी बनकर रीवा में आने वाले नेता करते थे कानाफूसी, प्रभारी नेताओं ने नहीं की है कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कांग्रेस महापौर का यह वीडियो, आप भी देखें। परेशान होते हैं, हमारे पास आते, मेरे को बड़ा कष्ट होता है जब मैं उनकी परेशानियों को देखता हूँ। पूरे शहर में ठेला, कांग्रेस के पार्षद आरोप लगाते हैं कि आप विरोध नहीं करते संदरिया का। संदरिया का विरोध हमसे अधिक कोई किया नहीं, कृष्णा राज कपूर आइटो। महापौर बनने के बाद अभी धरने में कौन बैठा था? सिरमौच राय के पास जो दुकानदार हैं उनके धरने में तीन तीन बार मैं गया। आप ही लोग चलाते हो, आप ही क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। आपके पार्षद का जो आरोप है, कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का कोई पार्षद अभी तक ऐसा आरोप लगाया नहीं, किसी पार्षद का मैंने बयान नहीं सुना अभी तक। फिल्टर बात करिए, हमसे कोई जानकारी ही नहीं है इसकी, और ना उनको नोटिस दी गई, ना अभी दुकानदारों को नोटिस। 2042 तक की उनकी हमने लीज रिन्यूअल कर रखी 80 दुकानों की। हम तो उनको गिराएंगे नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है भाई। और जब तक MIC से निर्णय नहीं होगा उसका कोई निराकरण नहीं हो सकता। आसान काम नहीं है उनको गिरा देना, उसकी अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। आज NSUI व यूथ कांग्रेस के द्वारा एक टी शर्ट लॉन्च की गई, जिसमें पहनकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शहर भर के लोगों के पास तक पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट और साथ ही रवि सिंह NSUI रीवा का क्या कहना था। लक्ष्य 2023 रीवा विधानसभा, इसका क्या मतलब है, टी शर्ट से क्या उद्देश्य है? लक्ष्य 2023 रीवा विधानसभा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य है रीवा विधानसभा जीतना। कांग्रेस पार्टी रीवा विधानसभा जीते, जो कि 2003 के बाद से यहाँ नहीं जीतती आई है। और दूसरा, ये टी शर्ट का मतलब यह है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की पद यात्रा एक टी शर्ट में, चाहे वो ठंड रही हो, चाहे बारिश रही हो, चाहे गर्मी रही हो, चाहे धूप रही हो, उसके बाद भी वह एक टी शर्ट पहन के 3500 किलोमीटर की यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी तरह हम सब NSUI और यूथ के साथी जन जन तक, रीवा के समस्त पंचायत, विधानसभा के अंतर्गत मंडलम सेक्टर, पोलिंग बूथ से लेके बाडो तक राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और मंगू भैया जी के नेतृत्व में, जो कि आम आदमी के सिपाही रहते हुए पार्टी के लिए 20 से 25 वर्षों तक संघर्ष करते आए हैं, चाहे प्रत्याशी कोई भी रहा हो, ईमानदारी से उस प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। और हम सब युवाओं की मांग है कि इस बार रीवा की है यही पुकार, मंगू अब की बार रीवा से गुरमीत सिंह मंगू भैया को विधायकी का टिकट दिया जाए। तो इसको हम लोग पहचान मान सकते हैं, लोग पहचान मान सकते हैं कि आप लोग अभी से विधानसभा की तैयारी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि राहुल गांधी जी का संदेश, राहुल गांधी जिस तरह 3500 किलोमीटर की यात्रा करे हैं, अब वो यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो हम सब युवाओं का कर्तव्य है कि उस यात्रा को, राहुल गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ। मंगू भैया के लिए पहचान, जी मंगू भैया के लिए भी हमने बताया कि जन जन की है यही पुकार, मंगू अब की बार। आज आप लोग रीवा के शहर में यहाँ गलियों में घूम रहे हैं, ये लक्ष्य 2023 विधानसभा, और इसमें आपके मंगू भाई की फोटो लगी हुई, क्या लक्ष्य क्या है और क्या प्रचार क्या है? देखिए, आदरणीय पूर्व शहर अध्यक्ष मंगू भैया द्वारा एक रीवा 2023 रीवा विधानसभा का लक्ष्य दिया है, और उस लक्ष्य को लेकर हम लोग पोलिंग बूथ स्तर पर जा रहे हैं और हर वार्ड के अंदर ये जाके और रीवा में कांग्रेस विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। पिछले लंबे समय से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक नहीं हुआ, आदरणीय राजन शुक्ला जी जीतते आए हैं, जो लगातार युवाओं को तिरस्कार कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और उनके पास फ्लाईओवर बनाने के अलावा युवाओं के लिए कोई भी न शिक्षण संस्थान से संबंधित न रोजगार संबंधित उनके कोई प्रयास नहीं किया है, और हर युवा यहां से जो आशा भरी नज़रों से देख रहा था वो निराशा में तब्दील हो गई है, और इसीलिए
रिया विधानसभा के हर एक पोलिंग बूथ में जाके हम कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे जो लंबे समय से रीवा विधानसभा सीट में नहीं जीत पाया। ये शक्ति प्रदर्शन किसके लिए, कांग्रेस के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए? ये कांग्रेस के लिए नहीं है, ये प्रयास है कि जो रीवा सीट लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है उसको इस बार लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है कि कांग्रेस सीट जो है जिताएंगे, कांग्रेस के विधायक बैठाएंगे और राजन शुक्ला जी को घर बैठाएंगे। जबकि आप लोगों ने टी शर्ट भी पहन रखी है और इसमें आपके मंगू भाई की फोटो भी लगी हुई है, तो क्या है कि आपको मतलब क्या कैसे कैंडिडेट होना चाहिए इनके, मतलब इनके पक्ष में आप लोग प्रचार कर ऐसे कैंडिडेट संघर्ष करने वाला होना चाहिए जो लंबे समय से संघर्ष किया हो, पार्टी के लिए लगातार किया हो, कोई भी चुनाव लड़ा हो, जिन्होंने संघर्ष करके आया हो उसी को पार्टी प्रत्याशी बनाना चाहिए और उस प्रत्याशी के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और रीवा विधायक राजन शुक्ला जी को घर बैठाने का प्रयास करेंगे। टी शर्ट और इसमें लगी फोटो क्या है बनाने के आप लोग प्रयास में लगे? इसमें राहुल गांधी की भी है, कमलनाथ जी की भी। मंगू भैया को विधायक बनाने का तो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, सब लोगों ने का भी प्रयास है, लेकिन पार्टी जो गाइडलाइन देगी उस गाइडलाइन के तहत हम लोग विधायक बनाना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है।